सैनिक स्कूलों का सिलेक्शन वजह से इन लोग का हो रहा है जी जी। इसी माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम दे के और उसका सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल गोपालगंज, और फिर वहाँ सेशन होने के बाद से वहाँ से अच्छी पढ़ाई किया और आज ईश्वर में उसका हुआ। अभी सेशन में 80 बच्चे क्वालिफाइड किए हैं, एक लगभग मतलब 85 लड़के एग्जाम दिए थे, 5 बच्चों का हम लोग चेक नहीं कर पाए ठीक, और 80 बच्चे अभी क्वालिफाइड है और इसमें एक लड़की ऑल इंडिया में 8 रैंक है इसका। सर एक सुदूर इलाका में होके रूरल एरिया में होके और सैनिक स्कूल में लगभग 70+ बच्चे, हाउ इट इज पॉसिबल सर? देखिए यह सिंपल बहुत हार्ड कठिन काम नहीं है, बच्चों में बहुत प्रतिभा है, इनमें अकूत प्रतिभा है। सर आपसे बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ 2 रिजल्ट नहीं हो पाते, 1 रिजल्ट नहीं हो पाते हैं, आप जहाँ पे आप बता रहे थे जैसे लोग सब्जी बेचा कर रहे थे जी जी, उस एरिया से आप इतने बच्चे को ला दिए। देखिए शिक्षा को शिक्षा समझ रहा है ठीक, ये तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल शिक्षा भी कमर्शियलाइजेशन हो गया है, उसका व्यापार हो गया है, तो जहाँ पे व्यापार नहीं है रियल में पढ़ाई होती है वहाँ तो रिजल्ट होना ही है, रिजल्ट होना तय है जहाँ भी पढ़ाई होती है, लेकिन जहाँ पे शिक्षा का व्यापार हो रहा है तो वहाँ पे प्रतिभाएं मर जाती है, वहाँ पे रिजल्ट होना थोड़ा सा कठिन। तो अभी सेशन में 80 बच्चे क्वालिफाइड किए हैं, एक कितने में से 80? लगभग मतलब 85 लड़के एग्जाम दिए थे, 5 बच्चों का हम लोग चेक नहीं कर पाए ठीक, और 80 बच्चे भी क्वालिफाइड है और इसमें एक लड़की ऑल इंडिया में 8 रैंक है इसका, 8वां रैंक जी, 8वां रैंक ऑल ओवर इंडिया जी, यहाँ आप देखेंगे 8वां रैंक इसको है, 288 मार्क्स लाके बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि ऑल इंडिया रैंक 8वें स्थान पे ये बच्ची लाई है, और 6 से अधिक बड़ा है 56 इंच का, नहीं ठीक है गर्व है कि बिहार तो पहले से भी शिक्षा केंद्र रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में भैन सांग पढ़ने आते थे, पहले से बिहार शिक्षा केंद्र रहा है, और फिर एक बार एक छोटा सा प्रयास है जो आपके सामने है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सब सैनिक में क्वालिफाइड हैं और इसमें मैक्सिमम 50 से अधिक बच्चे मेरिट लिस्ट में आना तय है और इनका एडमिशन होना भी तय है, ऐसा नहीं क्वालिफाइड 90% से अबव मार्क्स है, इसमें 6 से अधिक बच्चे मैथ में 150 में 150 मार्क्स लाए, 150 में 150 एक अंक भी नहीं कटा है, तो इन बच्चों का एडमिशन तय है और एडमिशन करके देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे, कोई अफसर बनेगा सेना में, कोई भी बता रही डॉक्टर बनेगी, तो ये एक छोटा सा प्रयास है। सर अपने के एक लड़का था एक हिंदी समझने में, मुझे लग रहा था हिंदी नहीं समझ पा रहा था, सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा था, यूसुरु के बारे में बात कर रहा था जी, एक्चुअल में क्या था उस लड़के? वह मेरे यहाँ का विद्यार्थी रहा और यहीं से फिर सैनिक स्कूलों का सिलेक्शन वजह से इन लोग का हो रहा है जी जी। इसी माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम दे के और उसका सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल गोपालगंज, और फिर वहाँ सेशन होने के बाद से वहाँ से अच्छी पढ़ाई किया और आज ईश्वर में उसका हुआ है, तो वहीं आया था यहाँ पे मीटिंग में आया था तो बोला सर तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपके, मैं यहाँ पे रहा हूँ पढ़ाई किया। गर्व महसूस होता है कि एक सुदूर इलाका का लड़का आपके यहाँ पढ़ के और इसरो जैसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे मिसाइलों में अगर वो देखता है समझता है डिस्कस करता है तो कैसा फील होता है? अच्छा लगता है ठीक, ये हमारे जो बच्चे हैं आगे कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। कौन सा तरह का एंगल होता है आपका पढ़ाने का, कौन सा एंगल होता है, जो कॉन्सेप्ट क्या होता है? बड़ी सरल होता है जो उसमें सिलेबस पूछा जाता है ठीक, और सिलेबस से तो बात करें तो बहुत सारे उसमें है कि क्लास 5th का नहीं बहुत आगे का ही पूछता है, 6th का 7th का 8th का 9th का ही पूछता है, हार्ड सिलेबस होता है उसको, लेकिन इंजीनियरिंग SSC वगैरह लेवल का ही पूछता है, मैथमेटिक्स पूछता है SSC वगैरह लेवल का, तो उसको बड़ी सिंपल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है और कई बार पढ़ाया जाता है, जितना बार वो समझना चाहता है उतना बार समझता है, जब तक 100 में 100 न कर ले मतलब फुल मार्क्स का तब तक समझा जाता है। सर गार्जियन को तलाश है, गार्जियन को तलाश है अच्छे स्कूलों का, ये दूर इतना है स्कूल है और व्यूअर्स काफ़ी दूर दूर के लोग हैं, तो कैसे अपने बच्चों को आपके स्कूल में नामांकन क्या प्रोसेस है? ये मेरे यहाँ नहीं, कहीं भी जाए तो पहले आप फैकल्टी चेक करें, देखें क्या रिजल्ट है उनका, क्या अचीवमेंट है, कैसे हम एडमिशन लें, चूँकि हमारे सबसे प्रिय हमारे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको कहीं भी ले जाकर डाल दें, वहाँ फैकल्टी चेक कर ले, क्लासरूम में जाएँ, बच्चों से पूछताछ कर ले, रियलिटी निकाल के उसके बाद से ही एडमिशन का डिसीजन, कहीं ऐसा ना हो कि इस डिसीजन में एक जो अच्छे प्रतिभा है वह मर जाए, अच्छा ना कर पाए आगे भविष्य में। अच्छा एकोमोडेशन की व्यवस्था है? जी हाँ जी हाँ, हॉस्टल में हॉस्टल की व्यवस्था है जी हाँ, राइट। बच्चे की सिर्फ बॉयज़ का? बॉयज़ भी है और गर्ल्स
गर्ल्स दोनों का ही यहाँ पर एकोमोडेशन की व्यवस्था है। ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट हैं? ऑलमोस्ट हॉस्टल में 300 प्लस बच्चे। 300 प्लस बच्चे टोटल? टोटल टोटल 1128 करीब बच्चे स्कूल में। इसका लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन मिस्र बतरा यहाँ पर है, मिस्र हाई स्कूल के फील्ड के जस्ट पास में है यहाँ पर, फुलवरिया प्रखंड है जी, फुलवरिया प्रखंड है। सर सुपर 30 अनंत सर के नाम से जाना करता है और आज यहाँ पे पंचालाल जो सर हैं जो 85 में से 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोग भी लगभग लोगों को सुपर 30 नहीं, अब आप लोग का सुपर 85 होने जा रहा है। ये उन जैसे लोगों से ही हम लोग इंस्पायर होके इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में, इस तरीके का अगर कहीं ना कहीं हम लोग यह सफलता पा रहे हैं तो यहाँ के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनका भरोसा है हम पे। अगर बच्चे ही नहीं आते तो हम पढ़ाते किसे? तो सबसे पहले इस सफलता का जो बधाई है मैं उन अभिभावकों को ही देना चाह रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और उसके बाद से आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं। होता है ना कि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, हम कितना भी बड़ा कारनामा इस बंद कमरे में कर लें लेकिन अगर आप लोग इसको जन जन तक ना पहुँचाएँ, सत्ता और पक्ष के दोनों लोगों से दहार के आप लोग सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की अहम भूमिका है। तो मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बंधु, प्रिंट मीडिया के बंधु, जितने भी पत्रकार हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप लोग अच्छे चीज़ को, एजुकेशन के पार्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप भी पढ़े हैं तब जाके आप एंकरिंग कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं।